मेरे पीछे आप देख सकते हैं जय भीम प्रीमियम टी के जो एक बैनर लगा हुआ है। यहाँ पर जय भीम आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ चाय नहीं, यहाँ पर मसाले भी हैं और यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। मैं जो ऑनर है, जो इस स्टॉल के ऑनर है, मैं उन्हीं से पूछूंगी उन्होंने ये नाम ही क्यों रखा सर, नाम जय भीम ही क्यों? चाय अब हर आदमी अपने भगवान जैसे श्री राम चाय आ गई या श्री राम के नाम से कुछ बनाता है, कोई गणेश धूप बत्ती बनाता है, तो हमने कि हमारा भी एक भगवान है उसके नाम से क्यों ना बनाया जाए। मैंने आज से 15 साल पहले बनाया था, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जय भीम के नाम से कुछ नहीं बना हुआ था। मेरे सारे खाने पीने की चीज़ें या कोई अगरबत्ती धूप बत्ती सब मैं जय भीम से ही बनाता हूँ। सर जय भीम से आपने कहा कि आपके सारे प्रोडक्ट जय भीम के नाम से है, क्या उतनी ही पॉपुलैरिटी आप 15 सालों से आप कह रहे हैं बेच रहे हैं, क्या उतनी ही पॉपुलैरिटी आपके प्रोडक्ट को मिली है जितनी पॉपुलैरिटी और लोगों और प्रोडक्ट को मिलती है? औरों का ऐड चलता है, आपने क्या उस तरह का कोई विज्ञापन? मैंने इसका ऐड चलाया था लेकिन क्या है कि कुछ मनुवादी वाले लोग जो है इसको नहीं खरीद पाते, हमारे ही लोग इसको खरीद पाते, बहुजन समाज इसको खरीदता है, बहुजन समाज इसे खरीदता है। मैंने लॉर्ड बुद्धा के ऊपर 3 साल तक मैंने इसकी एडवर्टीजमेंट करी है जय भीम के नाम से। हाँ ये जरूर हुआ है कि मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने जो जय भीम के नाम से चलाया था आज जो है 10-20 आदमी इसको जय भीम के नाम से और बनाने चालू कर रखा है। मतलब आपने शुरू किया और आज ये माहौल है कि 10-12 लोग और बना रहे हैं। जय भीम रखने का विश्वास रखते हैं, जय भीम से ही बनाया जाए तो उनके सबके बिकते हैं, अपना गुजारा सबका चलता है। क्या लगता है आप स्टॉल लगाते हैं क्या उतना बेनिफिट मिल पाता है आपको इतने सालों से आप इसको चला रहे हैं? नहीं, यहाँ पे मैं खाली अपने प्रदर्शन करता हूँ कि मेरे पास जय भीम के इतनी आइटमें हैं और बाकी जो कोई मांगता है मांगने ऑर्डर देता है तो मैं उसके घर तक भी पहुँचाता हूँ। आप होम डिलीवरी भी करते हैं? होम डिलीवरी करता हूँ, ऑनलाइन भी करता हूँ, तो उसके हिसाब से हमारा सही है काम चल रहा है, अच्छा है। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि जय भीम से क्या बहुजन समाज के लोग ही खरीदते हैं या जो अपर कास्ट के लोग हैं? जो नहीं जानते हैं तो वो खरीद लेते हैं, जो बाकी है जो एक बार उसको टेस्ट लगता है तो दोबारा कोई भी वो है मनुवादी भी खरीदता है उसको, मनुवादी भी खरीद खरीद लेता है, उसे पता लगता है कि ये चीज़ बढ़िया है। वो मेरी चीज मसाले के अंदर मेरे सबके अंदर किसी का भी ले लो सब मिलावट है, मेरा बिल्कुल प्योर होता है। मैं खरीद करके अच्छी क्वालिटी का ला करके तब मैं बेचता हूँ, थोड़ा सा 10 रुपये का फर्क है, वही वो मिलावट का मिलेगा उसी रेट 10 रुपये सस्ता और मेरा मिलावट का 10 रुपये महंगा होगा प्योर। सर आपका नाम? मदन लाल बोध। कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ, प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ। आप मूल निवासी दिल्ली? हाँ, दिल्ली के मूल निवासी हूँ। चलिए ठीक है, तो देखा आपने जो सर है 15 सालों से प्रोडक्ट बेच रहे हैं और यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर चाय है, देख सकते हैं मिर्च है, धनिया है, हल्दी है और यहाँ पर धूपबत्ती भी देखिए जय भीम के नाम से इन्होंने स्टॉल में अपने प्रदर्शन कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीद रहे, सर ने सर का कहना था कि जो स्टॉल है वो उन्होंने लगाया लेकिन वो होम डिलीवरी भी करते हैं और उनके जो प्रोडक्ट हैं मनुवादी लोग भी खरीदते हैं।